आप बिलीव कर सकते हैं आज 2022 के बिलीवर्स मूवीज पे जाते हैं, सी देयर पैथेटिक लाइफ, वो मूवीज पे जाते हैं, वो उनको प्रमोट भी करते हैं फेसबुक्स पे, वॉचिंग कबीर सिंह फीलिंग एक्साइटेड, ऐसे लिखते हैं। मैं मुंबई से हूं, ये सारी चीजों को बचपन से देखता आया हूं। आपको पता नहीं है जो सॉन्ग्स बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, जो मूवीज आप देखते हैं उनका सोर्स क्या है। आप मेरे मोबाइल को ले सकते हैं, वहां ऋषभ के पास में पड़ा हुआ है। आप मुझे दिखाइए मेरे मोबाइल में एक बॉलीवुड का सॉन्ग्स में रखूं, एक हॉलीवुड की पिक्चर रखूं। आज से कुछ समय पहले मुझे कॉल आया, उस बहन ने मुझे कहा मेरे घर पे एक प्लेस है जहां पर मुझे फील होता है कि कोई मुझे नेल्स मार रहा है। मैंने कहा बहन कुछ तो गलत पड़ा होगा घर पे, डेमोनिक चीजें बिलीवर्स के घर पे नहीं आ सकती। तब उसने कहा मेरे बेटा हैरी पॉटर की किताब पढ़ता है। एंड यू नो जब उसने उस किताबों को उठाया फेंकने के लिए, उसका बेटा इतना एग्रेसिव हो गया, उसके बेटे ने मां को मारना स्टार्ट किया। आप जानते हो अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी अश्लील चीज रखोगे, पॉर्न वीडियो, अश्लील वीडियो, अपने ऐसे फोटोज जिसमें आपने कपड़े नहीं पहने हैं, या किसी और के फोटोज जिसने क्लोथ्स नहीं पहने हैं, आप बिलीव कीजिए मिठास पे हमेशा मक्खियां बैठती हैं। जब ये चीजें आपके फोन में होंगी ना, आप देखो आप डेमंस के इन्फ्लुएंस में आओगे, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव। आपको पता है पोजीशन अलग होती है, प्रभाव अलग होता है। पोजीशन का मतलब होता है कि दुष्ट आत्मा ने आपकी विल को कंट्रोल किया है, जैसा मैं चाहूंगा तो वैसा करेगा। आपने देखा जिसके अंदर से सेना नाम की दुष्ट आत्मा निकली, उसकी हालत क्या की गई थी। लेकिन आप में से कितने लोगों ने देखा यहूदा स्क्रोती डीमन पजेस बाद में हुआ, पर पहले वो इन्फ्लुएंस में था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस। कुछ लोग होते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त नहीं होते, जस्ट उसके प्रभाव में होते हैं। लेकिन कभी भी दुष्ट आत्मा, याद रखिए, यहां देखिए सब याद रखिए, शैतान कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आता, उसका वेलकम किया जाता है। आप उसको न्योता देंगे वो आएगा। न खुदा ने उसको आसमान में रहने की अनुमति दी है, न वो अर्थ पर रह सकता है। खुदा ने उसे साफ साफ कहा है तू वहीं रहेगा जहां तुझे अंधकार मिले। ब्रदर क्यों अनबिब्लिकल बातें बता रहे हो, क्या ये बाइबल में लिखी है? बिल्कुल लिखी है, आपने पढ़ी नहीं है। यहूदा की किताब में लिखा है खुदावन ने शैतान और उसके दूतों को बांध कर अंधकार के कुंडों में रखा। शैतान को नहीं, उसके दूतों को। आप जानते हो शैतान कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। वो कुछ ही लोग होते हैं अयूब और यीशु की तरह जिनकी विदाउट एनी रीजन टेस्टिंग होती है, लेकिन 99% मसीह लोग उसे बुलाते हैं। इसीलिए कलाम पाक में रसूल पॉल लिखता है उसे अवसर न दो, शैतान को अवसर न दो, वो हमेशा अवसर की ताक में है। और अवसर जानते हो उसे कैसे मिलता है? आपके मोबाइल के थ्रू, आपके घर के अंदर ऐसी मैगजीन्स, और तीसरी बात जब आप गॉसिप्स करते हो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉसिप्स? किसी की पर्सनल लाइफ के लिए बात करना, किसी के घर के लिए। बहुत सारे पति पत्नी कमरा बंद करने के बाद आप देखिए
सिर्फ बुराइयां करते, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जितना हमें खुदावन में बढ़ना चाहिए था, आखिर हमने उतनी उन्नति क्यों ना पाई है? द रीजन इज आपकी बड़ी जुबान। आप समझ पा रहे हैं? शैतान को अवसर न दो, ये बाइबल बताती है। जानते हैं जब उस आदमी ने पतरस और यहुन्ना से कहा मुझे कुछ चाहिए, पतरस ने कहा सोना चांदी दोनों नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ और है, हम उतने दे देते हैं। यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और कलाम पाक कहता है वो लंगड़ा उछला और चल पड़ा। अब मेरा एक सवाल है, उसे किस चीज की जरूरत थी? चंगाई। मांग क्या रहा था? आप जानते हो पतरस इतना भरा हुआ व्यक्ति था आत्मा में, वो जान गया था कि इसको किस चीज की जरूरत है। ही नोस कि इसकी सोच बीमार है एक्चुअली। इसको सारा दिन बस पैसे चाहिए, आज यहां से पैसे लेगा, वहां से खाना लेगा, अपना ब्रेड लेगा, घर चला जाएगा। लेकिन पतरस ने कुछ और सोचा। पतरस ने सोचा अगर ये चंगा हो जाए तो उसकी भीख मांगने की आदत भी बंद हो जाएगी, ये उठ के कमाएगा और खाएगा। आप जानते हो शारीरिक चंगाइयों से बढ़कर है कि आपके मानसिक पे आपको हीलिंग मिले, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम डेविल नहीं है, आप में से बहुत लोगों की प्रॉब्लम जानते क्या है? अ रॉन्ग माइंडसेट।